आज हम बनाने जा रहे हैं पैन सीयर्ड फिले मिनॉन विद ब्लैक पेपर सॉस। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे अपना स्टेक। स्टेक को हम सबसे पहले मैरिनेट कर लेंगे ब्लैक पेपर फ्रेशली ग्राउंड। इसको आपने चारों साइड्स पे अच्छे से लगा देना है और इससे यह है कि रब कर लें आप अपनी स्टेक पे और स्टेक आपका ड्राई होना चाहिए। मिक्स हर्ब्स थोड़े से डालेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट ये भी आप सारी साइड्स पे इसे रखें ताकि फ्लेवर अच्छे से सारे अंदर तक हो जाए। और फिर उसके बाद आपने इसे ऑलिव ऑयल 1-2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लगा के इसे मैरिनेट करके रख देना है हाफ आवर से लेके 3-4 आवर्स तक जितना आपके पास टाइम है। देन वी विल स्टार्ट पैन सीयरिंग आवर स्टेक। इसके लिए सबसे पहले आप पैन को प्री हीट कर लेंगे 3-4 मिनट्स और उसके बाद आपने हर साइड स्टेक की 30 सेकेंड्स बाद फ्लिप करते रहना है स्टार्टिंग ऑफ विद द साइड विच हैज द फैट कैपिंग। सबसे पहले आप उसे चार करते हैं और उसके बाद फिर आप इसे बार बार फ्लिप करते रहें डिपेंडिंग कौन सी साइड आपके पास है, और आप हर 30 सेकेंड्स बाद साइड को फ्लिप कर लें ताकि ये कुक थ्रू हो ऑल द वे, सारी साइड्स इसके अच्छे से कुक हो जाए। अगर आपके पास फूड थर्मामीटर है तो आप उससे भी टेम्परेचर इंटरनल टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। आपका इंटरनल टेम्परेचर 130-135 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाना चाहिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपने अब तक नहीं किया तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टा। इसके बाद आप इसे कंटिन्यू रखेंगे अप टू 4 मिनट्स, और जब ये 4 मिनट्स हो जाएंगे तो उसके बाद देन यू वुड ऐड इन सम गार्लिक क्लोव्स। 2-3 गार्लिक क्लोव्स आप लेंगे और साथ आप उसमें बटर 1-2 टेबलस्पून डाल के और उसे मेल्ट होने देंगे और अपनी स्टेक को इसमें बेस्ट करेंगे ताकि स्टेक के अंदर जूसेस और फ्लेवर लॉक इन हो जाएं। 1-2 मिनट्स आपने ये बेस्टिंग करनी है। आप इसे फ्लिप करके और उसके बाद बटर जो है उससे इसे बेस्ट करते रहेंगे एंड देन यू लेट योर स्टेक्स रेस्ट फॉर 5 मिनट्स ताकि सारे जूसेस लॉक इन हो जाएं। विल स्टार्ट विद मैश्ड पोटैटोज। एक मीडियम साइज पोटैटो लेंगे बॉयल्ड, उसे मैश कर लेंगे, उसमें 1/2 टेबलस्पून बटर डालेंगे, 1 टेबलस्पून चेडर चीज़ एंड मोज़रेला चीज़ आप उसमें ऐड कर लें, उसे अच्छे से मिक्स कर लें। देन ऐड फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून, सॉल्ट 1/4 टीस्पून एंड मिक्स हर्ब्स का स्प्रिंकल करके उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन एक पैन में हम बटर और चॉप्ड गार्लिक लेके उसे थोड़ा सा हीट कर लेंगे और अपने मैश पोटैटोज को एक कंटेनर में लेके फ्लिप करके उसको ऊपर रख देंगे फॉर 2 मिनट्स ताकि उसके जो टॉप है वो अच्छे से ब्राउनिंग हो जाए और कलर आ जाए, और ये जो रेस्टोरेंट स्टाइल आपके मैश पोटैटोज होते हैं उस तरह के आपके मैश पोटैटोज रेडी हो जाएंगे। नाउ वी विल कम टू आवर सॉस। ये मैं अपने स्टाइल से ब्लैक पेपर सॉस बनाता हूँ। इसके लिए आपको अनियंस चाहिए, ब्लैक पेपर चाहिए, चिपोटले सॉस चाहिए, विनेगर चाहिए, ऑयस्टर सॉस 2 टेबलस्पून, स्मोकी बारबेक्यू सॉस एंड सोया सॉस। ये सारी आपने चीज़ें रख लेनी है। मैं टिपेट की सॉसेज यूजली यूज़ करता हूँ, दे आर वेरी गुड। ऑयल आप 1-2 टेबलस्पून हीट कर लेंगे एंड देन उसमें अनियंस सौते कर लेंगे। जैसे ही अनियंस थोड़े से फ्राई हो जाएं उसमें आप ऑयस्टर सॉस ऐड कर देंगे। आई यूज़ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयस्टर सॉसेज, दैट्स वाई मैं 1 by 1 ऐड कर रहा हूँ। Then I'll add barbecue sauce to it. Barbecue sauce का बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है। Chipotle sauce के विद द zest और जो स्पाइसीनेस है वो इसमें ऐड करती है। Soya sauce we all know, the regular vinegar भी ये salt की कमी को भी पूरा करते हैं और एक इसे ज़रा kick सी देते हैं which gives it a good taste. Black pepper ऐड कर देंगे and then mix it for a while. There we go. थोड़ा सा water add किया है हमने इसमें and you can see all the sizzling. ये हम अपना pan deglaze कर रहे हैं जो steak pan था, और अब deglazed जो पानी है वो हम अपनी sauce में add कर देंगे.
घी ग्लेजिंग से आपकी सॉस में जो एक मीटी फ्लेवर है वो आ जाता है एंड गिव्स इट अ वेरी गुड थिक टेक्सचर एंड अ वेरी नाइस फ्लेवर. ये आप लोग जब ट्राई करेंगे तो यू वुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. दिस इज द फाइनल लुक ऑफ आवर स्टेक. मैंने इसे स्लाइस अप किया हुआ है और उसके बाद हमने इस पर थोड़ा सा सॉस ड्रिजल किया है. एंड सी द ब्यूटी. It's a very, very juicy steak and you would love it.